स्ट्राइक गवर्नमेंट हमारी एयरफोर्स ने की है उसके लिए सरकार का और एयरफोर्स का साधुवाद करता हूँ और भारत सरकार को ये भरोसा दिलाते हैं हम पेंशनर कि ऐसी किसी भी घड़ी के अंदर हम सारे पेंशनर आपके साथ हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत अफसोस की बात है कि 2.5 साल से 3 साल से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार हमारे को आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जो 63 लाख पेंशनर्स की जस्टिफाइड डिमांड है उसके ऊपर कोई भी उचित फैसला आज तक नहीं हुआ। हम लोगों ने विभिन्न चरण में विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए, हमारी नारी शक्ति ने, हमारी बहनों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हुई हैं और मैं उनको विशेष रूप से उनका साधुवाद करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से और दिल्ली से भी हमारे साथी अच्छी संख्या में आए, उनका भी मैं साधुवाद करता हूँ। दोस्तों ये बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 3000 मिनिमम पेंशन जब कर दी, जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर 3000 रुपए पेंशन लेगा, किन्नर 3000 रुपए पेंशन लेगा, तो ये बूढ़े लोग जिन्होंने 20 से 40 साल तक इस देश की सेवा की है तो उनकी 7500 रुपया प्लस दिए, उनकी पेंशन जस्टिफाइड है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। दोस्तों हमारे को पूरा भरोसा है क्योंकि कोई भी आंदोलन अगर ईमानदार नेतृत्व के कंट्रोल में किया जाता है तो मेरे दोस्तों को आंदोलन लेटर और सूनर आज या कल वो आंदोलन जरूर सफल होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका नेतृत्व कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं, जिनका इस पेंशन से कोई लेना देना नहीं, जिनको इस पेंशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस आंदोलन की ईमानदारी इस बात से झलकती है कि इसका नेतृत्व एक ऐसे कमांडर के हाथ में जिसको इस पेंशन से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों हालांकि मेरे को टाइम की छूट दी है लेकिन मैं उस छूट का कोई फायदा उठाना नहीं चाहता। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं अशोक रावत जी से और उनकी टीम से यही कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है, हमारे को आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी, चाहे उसके लिए हमारे को मैच क्रिएट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी पेंशन, अपने मेडिकल बेनिफिट्स लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।